सो हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि 1.3 का 3 का 2 नंबर हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। और जो भी छात्र अभी तक न्यू स्टूडेंट आए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे प्रॉपर आप लोग को वीडियो दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर सीरीज चल रहा है, उसका आप लोग को प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। प्लेलिस्ट में आप लोग तैयारी कर सकते हैं रेगुलर बेसिक पे, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को 1.1 से सारा सारा टॉपिक आप लोग को क्लियर कराया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। क्लास टेंथ का यहाँ पे न्यूज बैच स्टार्ट हो गया है 2023 का, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या बोल रहा है। सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसका फर्स्ट नंबर हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। 3 का हम लोग फर्स्ट नंबर कर लिए हैं। हम लोग सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है कैसे। तो 7√5 पहले जो अपरिमेय संख्या बोला है उसको सबसे पहले परिमेय संख्या मानेंगे। 7√5 एक यहाँ पे मान लेना है, ठीक है, माना कि, ठीक है, 7√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे मान लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लिए हैं। जो भी यहाँ पे अपरिमेय संख्या बोल रहा था उसको हम लोग परिमेय संख्या मान ली। तो 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, ठीक है, p/q हो जाएगा। जहाँ क्या हो जाएगा, p और q क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या, ठीक है, p और q सअभाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पे गुणा में है, इसको इधर भेजेंगे तो भाग में वो चले जाएगा, ठीक है। √5 बराबर क्या हो जाएगा, py हो जाएगा 7³, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप लोग जान रहे होंगे √5 क्या है। √5 अपरिमेय संख्या है, इसे हम लोग पहले ही सिद्ध कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे। एक स्टेप और आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे 7³ इधर ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद p/ क्या हो जाएगा, √5 नीचे में आ जाएगा, ठीक है, √5 नीचे में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और अपरिमेय संख्या से भाग देने पर से भाग देने पर जो भी संख्या प्राप्त होता है, वह भी अपरिमेय संख्या होता है, अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है, तथा हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव्ड। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट जो एक सम बचा है वो आप लोग होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो मैं आप लोग को वो बना के दिखा दूंगा, ठीक है, वो बना के समझा दूंगा। तो फाइनली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।